हे एवरीवन, आज बनाएंगे कटहल की सब्जी, जिसे मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से होम स्टाइल में, पर थोड़े ट्विस्ट के साथ, जिससे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं सब्जी को बनाने वाली हूँ, उसके सामने नॉन वेज भी फेल है। और जो कटहल खाना पसंद नहीं करते, उन्हें भी ये सब्जी खिलाकर देखिए, उन्हें भी जरूर पसंद आएगी। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैंने पानी ले लिया है कटहल को उबालने के लिए। मैंने यहाँ पर फ्लेम को पूरा हाई पर कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून नमक। फिर डालेंगे 500 ग्राम कटे हुए कटहल और इसे हल्दी वाले पानी में मिला लेंगे अच्छी तरह। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर कटहल को हमें 1 से 2 सीटी लगा लेना है। एक सीटी लगने के बाद गैस बंद कर देंगे और बिना प्रेशर निकाले से ठंडा कर लेंगे। ऐसा करने से प्रेशर अपने आप ही कुकर का सारा निकल जाएगा। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, तो ढक्कन खोल लेते हैं। ये आधा पक चुका है और आधा ग्रेवी के साथ इसे हम पकाएंगे। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा पानी है कटहल में, उसे स्ट्रेनर से छान ले। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि अब हमें कटहल को फ्राई करना है। अब सेम प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप के करीब सरसों का तेल और इसे तेज आंच में गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, तो चलिए सारे कटहल को फ्राई कर लेते हैं एक साथ। कटहल को एक साथ ही तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए और ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब सेम प्रेशर कुकर में ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो जो तेल कटहल को फ्राई करने के लिए बचा हुआ था, उसमें ही मैं ग्रेवी रेडी करूंगी। अगर आपको तेल थोड़ा कम लगे मसाले भुनने के लिए, तो 1 से 2 टेबल स्पून तेल और डाल सकते हैं इसमें। फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 8 से 9 गोल मिर्च, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इन्हें हमें थोड़ा तड़कने देना है। अब इसमें डालेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कटा हुआ अदरक और 12 से 15 लहसुन की कलियां। लहसुन को हमें कुछ सेकंड्स के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब लहसुन में कलर आ जाए, तो इसमें डालेंगे स्लाइस में कटे हुए 4 मीडियम साइज के प्याज और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। प्याज को हमें ज्यादा नहीं ब्राउन करना है। प्याज को ज्यादा ब्राउन कर लेंगे तो ये अच्छे से नर्म नहीं होंगे। बस जब ये थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, तो फ्लेम को लो पर कर लेंगे और डालेंगे सारे सूखे मसाले, जिसमें मैंने लिया है आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यानी 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला का पाउडर। मीट मसाला का पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। फिर डालें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में डालें स्वाद के अनुसार नमक। कुछ सेकंड्स के लिए सारे सूखे मसाले को भून लेंगे और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पानी। फ्लेम को हाई पर कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें लगाएंगे 3 से 4 सीटी, ताकि ये जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से नर्म हो जाए। 3 से 4 सीटी लग चुकी है, तो गैस बंद कर लेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब ढक्कन खोल लेते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, ताकि ये अच्छे से मशी हो जाए। अब इसमें डालेंगे उबले और फ्राई किए हुए कटहल के पीसेस और मसाले के साथ कटहल को अच्छे से कोट करते हुए हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं कटहल के साथ, तो अब इसमें डालेंगे 1.5 से 2 कप के करीब पानी और ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 3 से 4 सीटी लगने देना है। 3 से 4 सीटी लग चुकी है, तो कुकर को ठंडा कर लेंगे या आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं।
अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे एक से दो टेबलस्पून बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए और पकने देंगे इसे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, बनकर रेडी है ये टेस्टी कटहल की सब्जी। इसे आप खाएं रोटी, पराठे या चावल के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस तरीके से जरूर बनाएं और सबको खिलाएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको और भी रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।